एक कंपोजर का अपना एक दायरा होता है जिसके अंदर वो रह के कंपोज करता है। अभी दीवाना हुआ बादल ये जो गाना है उसमें क्या होता है, एक कंपोजर जब कंपोज करता है ना तो फीमेल वॉइस की रेंज जो होती है वो मेल वॉइस से कम होती है, यानी ऑफ कोर्स फीमेल वॉइस ज़्यादा हाई पिच होता है इसलिए ऊंचे रेंज में वो जा भी नहीं पाती, और अगर गई तो श्रिल लगने की चांसेस होते हैं, इट विल साउंड श्रिल। मेल की रेंज फीमेल से हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये गाने में ओपन अय्यर साहब ने वो दायरे में रहते हुए कंपोजिंग बहुत प्यारा किया था के यहां से मेल का ट्यून अलग था, ये यहां तक जाता है मेल। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ए जान वफा तुम। और फीमेल जहां पे ताई आती है वो फीमेल की रेंज नहीं जाती, नीचे लेके आ गए। ये उन्होंने खेला था क्योंकि फीमेल की रेंज ऊपर तक नहीं जाती, तो उन्होंने उसको एडजस्ट किया था, और दोनों ही अंतर उतना ही कमाल, रफी साहब का भी उतना ही खूबसूरत था, ताई आशा ताई का भी उतना ही खूबसूरत था। आरडी बर्मन इनका कोई दायरा ही नहीं था, पंचमला का कोई दायरा ही नहीं था। मैं हमेशा जो कहता हूँ कि पीपल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, पंचम डिड नॉट हैव अ बॉक्स, पंचमला के पास बॉक्स ही नहीं था तो लिमिटेशंस नहीं थी। तो जहाँ पे उन्हें लगा कि फीमेल नहीं जाते, अच्छा चलो ट्राई करते, एंड ही चैलेंज आशा भोसले टू गो बियॉन्ड हर लिमिट्स एंड ट्राई टू डिलीवर, एंड शी डिड सो ब्रिलियंट। अगर आपने गाना सुना होगा, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से, उसके एंड में जो नोट उन्हें लगाया हुआ है, दैट रफी साहब तो यहाँ तक गए थे, शी हैज गॉन टू, इतना ऊपर गई है वो। शान से मरते हैं शान। ये आशा दे का इंटरव्यू है मेरे पास, जहाँ पे वो खुद ये बात कह रही है कि पंचम मेड मी रियलाइज कि मेरी रेंज क्या है, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। फिल्म लाइन में आई हूँ, बहुत म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया, और हर एक की स्टाइल मैंने अपनाई, जैसे बर्मन दादा, जैसे मदन भैया, उपेन अय्यर, जो भी हैं म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत स्टाइल मैंने गाई हैं। लेकिन जब से पंचम के साथ मैं उनको बब बुलाती हूँ, उनके साथ मैंने जब से काम शुरू किया, तब से मैंने एक पाया कि मेरी आवाज़ का उपयोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, कर सकती हूँ मैं, यानी मेरी रेंज कितनी है, मैं क्या नया नयापन आवाज़ में कर सकती हूँ। पुशिंग द बाउंड्रीज, ये जो मामला था वो पंचम दा की खासियत थी, और दोनों अपने जगह पे कमाल ही थे, नो डाउट। उपेन अय्यर ने जो गाने बनाए, पंचम दा वॉज नॉटी, उसी में मिरेकल्स बनाने के। जो भी किया हमने किया शान से।